Hello students, welcome to all of you in infinite classes. Now we are going to do question number 6 of exercise 2.5, chapter 2 polynomial. Question is, write the following cubes in expanded form. In cubes ko expanded form mein likhein. To student, isme hame kuch cubes diye hue hain, binomial ke cube hain. Jaise first part mein hai 2x plus 1 whole cube. Second part is 2a minus 3b whole cube and third part is 3 upon 2x plus 1 whole cube and fourth part is x minus 2 upon 3 whole 2 x minus 2 upon 3y whole cube. Student, इन cubes को हमें expand करना है. Clear है कि ये binomial के cubes हैं क्योंकि इनमें सब में 2-2 terms हैं. ठीक है, तो binomial के cubes के को expand करने के लिए a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करते हैं. तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि इस टाइप के बाइनोमियल के क्यूब्स को हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है. तो देखते हैं सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब. स्टूडेंट a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ऑल राइट, तो ये एक्सपेंशन होता है a प्लस बी होल क्यूब का. तो अगर कोई इस टाइप का बाइनोमियल है जिसमें बीच में प्लस का साइन है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, अगर बीच में माइनस का साइन है बाइनोमियल के तब उसको उसके क्यूब को एक्सपेंड करने के लिए a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज की जाएगी. स्टूडेंट a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. स्टूडेंट ये होता है a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन. ठीक है, तो अगर किसी बाइनोमियल में बीच में माइनस का साइन है और उसके क्यूब को एक्सपेंड करना है तब हम a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी का यूज करेंगे. और अगर कोई इस तरह का बाइनोमियल है कि जिसमें प्लस का साइन है तब उसके क्यूब को एक्सपेंड करने के लिए हम a प्लस बी होल क्यूब को यूज करेंगे. a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड a माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो ये फार्मूले आपको मेमोराइज होना चाहिए. ठीक है, बट आप जब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएंगे. ठीक है, तो आइए इन फार्मूलाज के बेस पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ डू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 3 अपॉन 2x प्लस 1 होल क्यूब. We have to find the expansion of 3 upon 2x plus 1 whole cube. Student clear है कि इसमें जो a है वो 3 upon 2x है और b है 1. बीच में plus का sign दिया हुआ है और whole cube power लगी हुई है, जिसका मतलब ये a plus b whole cube के form में दिया हुआ है. a plus b whole cube की form होती है a cube plus b cube plus 3a square b प्लस 3ab स्क्वायर. तो स्टूडेंट ये है a प्लस बी होल क्यूब. अब इसका यूज करके हम दिए गए बाइनोमियल के क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो स्टूडेंट a क्यूब हो जाएगा इसमें, क्योंकि a के प्लेस पे 3 अपॉन 2x है तो a क्यूब हो जाएगा 3 अपॉन 2x होल क्यूब. b के प्लेस पे 1 है तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b. तो स्टूडेंट 3a स्क्वायर a हो जाएगा 3 अपॉन 2x होल स्क्वायर इंटू b, मतलब इंटू 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा. अब स्टूडेंट प्लस का साइन लगाया 3ab स्क्वायर 3 इंटू a होगा स्टूडेंट 3 अपॉन 2x b स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर. फर्दर सॉल्व किया स्टूडेंट इसको, अब 3 अपॉन 2x होल क्यूब है तो क्यूब ये 3 पे भी आएगा, x पे भी आएगा और 2 पे भी आएगा. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन पे क्यूब हो तो वो न्यूमरेटर पे भी आता है और डिनोमिनेटर पे भी आ जाता है. कोई पावर हो फ्रैक्शन के ऊपर तो वो पावर न्यूमरेटर पे भी आएगी डिनोमिनेटर पे भी आएगी.
स्टूडेंट ये 3 जो पावर है ये 3 पे आएगी तो 27 मिल जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। x पे आएगी तो x क्यूब हो जाएगा, और जब पावर 3 2 पे आएगी तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो स्टूडेंट 3 अपॉन 2x का होल क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 पे चाहे जो भी पावर लगी हुई हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। 3 अपॉन 2x का होल स्क्वायर करना है स्टूडेंट, तो 3 अपॉन 2x का होल स्क्वायर होगा 9 अपॉन 4x स्क्वायर। ऑल राइट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। इसके बाद में 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 9 अपॉन 2x, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 की 9 अपॉन 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन 2x ही आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको फिर से सॉल्व कर लें थोड़ा सा। तो स्टूडेंट अब इसमें जो 27x क्यूब अपॉन 8 है इसको एज इट इज डाल लीजिए, 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1, एंड यहाँ पे क्या होगा कि 3 की 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 9 जा 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x एज इट इज, तो ये हमें मिल जाएगा 3 अपॉन 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 3 अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब का एक्सपेंशन जो है 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 27 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x। आंसर, राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट।